नमस्कार, कैसा कहा है जोराज? सब लोग इधर, हाँ अंधेरी, अंधेरी के वासी हो आप लोग, अंधेरी अंधेरी के वासी हो राइट? हाँ एकदम झकास, एकदम झकास। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए इतने, और जो फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एसोसिएशन है शहर से गणेश चतुर्थी से। मैटर ऑफ फैक्ट, जब से मैं पैदा हुआ मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, चेंबूर में, तिलक नगर में, और वहाँ बचपन से मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला तो एक ही जो त्यौहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी। और मैं एक वो जो कॉलोनी थी, वो जो टाउनशिप तिलक नगर, वो एक चौल जैसी थी, तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियाँ होती थी, और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्र थे, और मेरी पैदाश सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्र थे, और उनके घर जाता था, उनके घर में गणपति होता था, तो कभी किसी आई के घर में, शोभा जी के घर में, तो उनके घर में, और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मोदक, हाँ मोदक, तो मोदक में दबा के खाता था। और एक और चीज़ होता है जिसमें वो नारियल से बनता है, अंदर नारियल होता है और वही मोदक है, और नहीं नहीं एक ऐसा राउंड सा होता है, करंजी, करंजी मेरा फेवरेट होता था, करंजी में दबा के खाता था। और जो आप बोलते ना यार ये डांस कैसे करते हैं, ये झकास कहाँ से आया, और जो मैंने जो जो मैंने फिल्म की, जैसे कि मैंने मशाल की, मैंने तेजाब की, मैंने रामलखन की, और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूँ आज तक। दो तीन स्टेप ही आते मेरे को। अभी मुझे बोलो कि ऋतिक रोशन की तरह डांस कर लो, या ये जो जितने ग्रेट डांसर जो हैं, गोविंदा जी हैं, ऋतिक जी हैं, और बड़े बड़े जो डांसर हैं, मुझे उनकी तरह डांस करनी नहीं आता। मुझे एक ही डांस आता है, वो है गणपति का डांस, और हर फिल्म में गणपति का डांस है। तो गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, डांस मैंने वही जो जब ये त्यौहार होता था जो मैंने सीखा वहीं सीखा मैंने, और मैं हमेशा हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार करता हूँ, और बहुत मज़ा आता है क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ आप लोग मिलजुल के आप सब अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल करते हैं। और कुछ सालों से मैं अपने घर पर भी गणपति रखता हूँ, तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि यू नो कि जैसे जैसे यू नो कि इतना आसान नहीं होता गणपति रखना घर पर, उसमें काफ़ी आपको देखभाल करनी पड़ती है गणपति की, गणपति जी की, और सबकी सेवा करनी पड़ती है, तो हर साल करना पड़ता है। हर साल हमें ऐसा लगता है कि यार इस साल भी करना पड़ेगा, मगर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि जब हम गणपति रखते हैं तो इतने लोग आते हैं आपके घर में, जैसे कि अभी आप लोग सब आए हैं, आप लोग सब यहाँ आए हैं तो आप लोगों की दुआएँ लगती हैं, आप लोगों की दुआएँ लगती है, और फिर कोई भी चीज़ हम करें तो हमें नाकामयाबी मिल ही नहीं सकती क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं। तो जो घर पर आते हैं, जो आप लोग यहाँ हैं, वो आप लोगों की दुआएं हमको लग रही हैं, और मैं चाहूंगा कि ये दुआएं जो आज हम ये मराठी फिल्म का जो संगीत का उद्घाटन है, गाने का उद्घाटन है, मैं चाहूंगा कि आप सब भी उसी तरह गणपति जी के आशीर्वाद से आप सबकी दुआएं इस फिल्म को लग जाए, इस गाने को लग जाए, और ये फिल्म कामयाब हो। सर हाँ जी पूछिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। नहीं सर, एक और चीज पूछनी थी आपसे, कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि आप लोकल ट्रेन में गए थे, और क्या फिर से उससे कुछ मेमोरीज ताजा हो गई? हाँ, मैं लोकल ट्रेन में, जब मैं चेंबूर में रहता था तो मैं जहाँ भी जाता था लोकल ट्रेन में जाता था, मैं कॉलेज जाता था लोकल ट्रेन में जाता था, तो हार्बर ब्रांच लेता था, हार्बर ट्रेन लेता था, तो मैं वो चेंबूर से लेता था, फिर वो चूनाभट्टी से होते हुए रे रोड, सैंडर्स रोड, मस्जिद बंदर करते करते वीटी पहुंचता था, और कभी कभी थोड़ा सा चर्च गेट जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेशन था मेरे लिए, चर्च गेट, वीटी, यू नो हम लोग गांव वाले सबर्ब्स में चेंबूर हूँ, मगर जो ये जो चर्च गेट वाला वो भांगड़ा विले पार्ले कार, ये मेरे लिए बहुत क्लासी चीज होती थी। तो मैं अभी शूटिंग कर रहा था मुकेश में, मेरे यार बहुत सालों से चर्च गेट स्टेशन से कहीं नहीं गया हूँ, और मेरी पत्नी ने बोला कि विसर्जन है इस टाइम पे मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, तो जो बोला कि
क्योंकि विसर्जन करना तो ज्यादा देर भी नहीं हो सकती है, तो बोले पंडित जी आ रहे हैं यू नो 7:30 बजे, मैंने बोला कोशिश करूंगा मैं, तो मैंने बोले जैसे कि आज मैं गाड़ी में आया हूं, मैं निकला हूं वहां से 7:45 बजे मुकेश मिल से, और मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, 2.5 घंटे लगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लोकल ट्रेन ली चर्च गेट से, मैं घर एग्जैक्टली 1 घंटे में पहुंचा, 45 मिनट्स मुझे लगा स्लो ट्रेन लिया, क्योंकि विले पार्ले में मुझे उतर रहा था, ये सब मुझे मालूम, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन ये सब मैं ले चुका हूं। तो मैंने स्लो ट्रेन ली और मैं विले पार्ले में उतरा, तो वहां मैंने मोटरसाइकिल रखी थी, मोटरसाइकिल पे मैं बैठा, मेरा जो एक घर पे है उस मेरी मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है मिर्जिया, याद रखना आप लोग 7 अक्टूबर को ये भी देखना, मराठी पिक्चर की प्रमोशन, हम अपनी पिक्चर की भी प्रमोशन कर अपने बेटे की पिक्चर। तो मोटरसाइकिल में बैठा और घर पहुंच गया, और वक्त पे पहुंचा तो बीवी की शक्ल देखी बड़ी खुश हुई हो, तो मेरे जो इतना क्या एक साल मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि बीवी जो है बहुत खुश है, पंकज जी अपना अपने भगवान जी भी खुश है और बीवी खुश है, दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। सही बात है कि सही बात है, घर वाली को खुश रखो और भगवान जी को खुश रखो, पूरा कल्याण हो जाएगा। क्या इसलिए मैंने ट्रेन ली? यस सर, और आप तो जानते ही हो कि दिस फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड डॉक्टर मधु चोपड़ा, एंड यू वर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली इन द फिल्म दिल धड़कने दो, सो देयर इज अ ग्रेट एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑफ यू, सो वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट दिस एसोसिएशन। देखिए प्रियंका जी के साथ के बारे में जितना कम मतलब कितना बोले, मैंने पूरी दुनिया बात कर रही है, पहले जो हिंदुस्तान बात कर रहा है, अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, शी इज बिकम अ ग्लोबल स्टार। तो ये मेरा इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स ऑनर फॉर मी, एंड मेरी जो मेरी दोस्ती हुई है प्रियंका से भी हुई है, प्रियंका जी की मम्मी से भी हुई है, समझे ना आप, तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ प्रियंका के लिए आया हूं, मैं उनकी मम्मी के लिए ज्यादा आया हूं, क्योंकि एक हमारा एक किस्म का एक रिश्ता है, जो कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि रोज मिले, मगर एक बार बात करने से एक रिश्ता बन जाता है, एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एक पेरेंट के साथ, एक मां के साथ, कि किस तरह कितना इतना आसान नहीं होता है एक इतनी बड़ी हीरोइन की मां होना, और उसे अच्छी तरह उसे यू नो पालना पोसना और इतना कामयाब बनाना, उनका आई एम श्योर 99% इनका बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म बना रही है, और इनकी मराठी फिल्म बनी है, राजेश साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वेंटिलेटर फिल्म का नाम है, नाम सुनकर भी मैंने बोला यार वेंटिलेटर है तो जाना ही पड़ेगा, ये नाम जबरदस्त है, कुछ अलग नाम है मराठी पिक्चर के लिए, तो एकदम अलग नाम है। और यू नो प्रियंका जी उनकी मम्मी, और प्रियंका जी ऑफकोर्स आप लोगों ने दिल धड़कने पर देखी होगी, दिल धड़कने जो देखी है ना आप लोगों ने, हाँ देखी है ना, तो उसमें मैंने क्या रोल किया था प्रियंका जी का, हाँ फादर फादर का किया था ना, सही बात है नहीं सही बात है। तो मुझे जब उनके साथ मैंने जब काम किया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था सलामी इश्क में, बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब छोटा एक आध डेढ़ सीन था मेरा उसके साथ, मगर इस बार 40-45 दिन हमने एक साथ बिताए एक शिप पर, वहां मुझे करीब से प्रियंका को जानने का मौका मिला, और जब मुझे पता चला कि शी इज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड यू नो एंड अ बिग स्टार बट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो दीज आर ऑल द रीजंस because of the mother, because of my friendship with Priyanka, that I'm here today, and of course I'm here because aaj jo hai Ganesh Chaturthi hai bhaiya, hai ki nahi, to isse bada acha mauka kya ho sakta hai ki itne acche utsav par hum ye sangeet ki udghatan kar rahe hain, is gaane ka udghatan kar rahe hain। वेंटिलेटर या चित्रपटाचं गणपति बाप्पाचं आतापण जे गाणं पाहिलं त्याच्या व्हिडिओ सीडीचं अनावरण इथे झालेलं आहे। आता लवकरच तुम्हाला सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि मीडियाच्या माध्यमातून हे गाणं घर बसल्या सुद्धा पाहता येईल, आणि त्यानंतर चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही पाहणार आहातच। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी प्लीज आप लोग सब जाकर वेंटिलेटर जरूर देखना। मैं
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने राजेश साहब की एक फिल्म देखी थी फिराली की सवारी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। और जब मुझे पता चला कि राजेश साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो है एक अच्छी फिल्म भी होगी और सुपरहिट भी होगी, 100%। तो इसका म्यूजिक भी सुपरहिट होगा, फिल्म भी सुपरहिट होगी, मेरे को अंदर से आवाज आ रही है। और आज गणेश जी का आशीर्वाद हम सबको है, और प्रियंका जी का मैसेज भी आप लोग सब ने सुना, और मेरे ख्याल से आप सबकी दुआएं होंगी तो ये फिल्म जरूर जरूर चलेगी और बहुत चलेगी। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। And do like the video on Nudges News. Along with cameraman Arjun Kumar, this is SK Day for Nudges News.